हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम मौजूद हैं वाराणसी के सोनारपुरा क्षेत्र में और आज मैं आपको कराऊंगी टूर गलियों का, जो कि केदार घाट से होते हुए हम सीधे चलेंगे अस्सी घाट पे। तो आइए हम आपको कुछ यहाँ का लोकेशन दिखाते हैं और सीधे चलते हैं अपने सफ़र पर। तो कुछ नज़ारे आप देख सकते हैं, ये है सोनारपुरा क्षेत्र और सामने आप देख पा रहे होंगे श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर। तो इसी गेट से हम जाएंगे और सीधे पहुंच जाएंगे केदार घाट की तरफ। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता सीधे चला जाएगा गोदौलिया चौराहे की तरफ। ये आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और जो ये रास्ता देख रहे हैं, ये चला जाएगा सीधे भेलूपुर चौराहे पे और उसके बाद आप गोदौलिया पे भी पहुंच जाएंगे। तो दो रास्ते हैं। और जो ये रास्ता देख रहे हैं, ये सीधे पहुंचता है लंका बेचू गेट की तरफ। तो आइए, हमें जाना है इस तरफ, तो चलते हैं। ये है श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर। तो ये कुछ है गलियों का नज़ारा। ये सुबह का समय है, सुबह के करीबन बज रहे हैं 7 और आप देख पाएंगे खाने पीने की जो चीज़ें हैं, दुकानें वो खुल चुकी हैं और बहुत सी दुकान बंद भी हैं। ये देख पाएंगे चाय की दुकानें तो फ़िलहाल में खुल चुकी हैं और ये सारी दुकानें बंद हैं। और ये देख पाएंगे एक प्राचीन मंदिर जो कि बेहद ही खूबसूरत है, भोलेनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पे देख सकते हैं नंदी जी भी विराजमान है यहाँ पे। और देख सकते हैं इधर से भी रास्ता है, तो आप इस रास्ते से जाएंगे तो हरिश्चंद घाट की तरफ पहुँच जाएंगे। आपको हर गली में ही गली नज़र आएगी और इन गलियों में आप तमाम घरों को भी देख पाएंगे। ये देखिए, और सुबह का समय है, इस वजह से सारी दुकानें फ़िलहाल में बंद भी हैं। ये देखिए, ये वही रास्ता है, आप इसी रास्ते से हरिश्चंद घाट पहुंच जाएंगे। और सामने आप देख पाएंगे यहाँ पे एक मंदिर है गणेश जी का, श्री 108 चिंतामणि गणेश मंदिर। तो ये है मंदिर। तो आप दूर से ही दर्शन कर लीजिए। तो आइए चलते हैं। और
इन गली में आप जब आएंगे तो आपको बहुत से पुराने पुराने घर भी मिल जाएंगे। इन दीवारों को देख के आप पहचान भी सकते हैं कि ये कितना घर पुराना हो सकता है। ये देखिए, और ये आश्रम है, ये देख सकते हैं आप। ये देख पाएंगे गणपति सच्चिदानंद आश्रम। और ये इनॉग्रेशन हुआ था 10 नवंबर 2019 को। और जब भी आप इन गलियों में आएंगे तब आपको हर समय कुछ न कुछ नई नई चीज़ें आपको मिली जाएंगी। ये एक होटल, नेपाल टूर एंड ट्रेवल होटल तमिलनाडु। कुछ ये घर भी आप देख पाएंगे। और आप देख पाएंगे एक ये भी रास्ता है जो कि घाटों की तरफ लेके जाता है। ये हरिश्चंद, पहले लाली घाट आएगा उसके बाद हरिश्चंद घाट पे पहुंचा देगा। और एक और आप मंदिर देख पाएंगे बजरंगबली जी का। और एक ये मठ है, विद्या मठ पाएंगे। जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है नागेश्वर महादेव जी का मंदिर। ये कुछ नज़ारा है सुबह का और सुबह के बज रहे हैं 7। और ये देखिए कुछ छोटे छोटे बच्चे, ओए सब छुपे हैं। ये देखिए, ओए ये देखिए कितना क्यूट है, ठंड लग रही है इसको, ओए। और आप इनका घर देख पाएंगे, ये छोटा सा डिब्बा है, ये देखिए, ओए। ओए कहाँ जा रहे हो, जाओ घर में। ये देखिए पीछे पीछे आ रहा है, हेलो।
और आप देख पाएंगे अब हमें इस रास्ते से एंट्री करना है। और ये बगल में आप देख पाएंगे ये करपाती धाम है। तो चलिए चलते हैं इस रास्ते से। ये रास्ता कुछ आपको गुफा की जैसे ही लगेगा। और यहाँ पे देखिए लोग रहते भी हैं जो गरीब लोग हैं। और ये देख पाएंगे आप पूरा घाट का ये व्यू। ये है केदार घाट। ये देखिए सुबह का टाइम है और जो सूरज की किरणें हैं पानी पे पड़ रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो आइए चलते हैं नीचे की तरफ। तो ये देखिए ये सुबह का समय है और जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपना गंगा स्नान में लगे हुए हैं। ये देखिए और जो सामने आप देख रहे हैं ये राम कृपेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और ये देखिए ये केदार घाट का एक प्रसिद्ध मंदिर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख पाएंगे ये है केदार घाट और इसी के बगल में एक मंदिर है, ये है गौरी केदारेश्वर मंदिर। यहाँ पे क्या फेमस है देख सकते हैं। और इस मंदिर का मैंने टूर कराया है आपको, तो आप मेरे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। और ये देख पाएंगे सामने साइबेरियन बर्ड्स, लेकिन अस्सी घाट पे ज़्यादा आती हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ पानी के ही अंदर है क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है और यहाँ पे स्पेस आपको कम देखने को मिल रहा होगा। कुछ घाटें हैं जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी घाटें हैं, जैसे कि रविदास घाट, अस्सी घाट और नमो नमः घाट, और एक दो और घाट हैं जो कि काफ़ी लंबे लंबे घाट हैं, बड़े बड़े घाट हैं। कुछ घाटें जो कि बहुत ही छोटी छोटी हैं, तुरंत शुरू होती हैं और थोड़ी देर में ख़त्म भी हो जाती हैं। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। और मैं बता दूं कि ये जो मंदिर है ये हमारे जो साउथ के जो श्रद्धालु हैं उनमें ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तमाम श्रद्धालु हैं जो कि साउथ की तरफ से आए हुए हैं। और यहाँ पे एक कुंड भी है, ये देखिए। और यहाँ पे पूजा पाठ भी चल रहा है। ये देख सकते हैं सुबह सुबह लोग बोटिंग भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी हम चलेंगे इस तरफ क्योंकि इस तरफ जाएंगे तो ही अस्सी घाट पड़ेगा, और अगर इस तरफ से अगर हम जाते हैं तो सीधे चले जाएंगे दशाश्वमेध घाट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी पहुंच जाएंगे। तो आइए चलते हैं इस तरफ से। घाट की कुछ विशेषता भी लिखी गई हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान यहां पे शुभ माना गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा जी की सफाई का काम चल रहा है। और किनारे पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है क्योंकि यहाँ के तो लोग गंदगी करते हैं, प्लस बाहर के जो भी लोग आते हैं वो भी गंदगी करके चले जाते हैं। तो गंगा मैया को साफ़ करना और काशी को साफ़ रखना बहुत ही चैलेंजिंग है। तो वैसे तो बहुत ही साफ़ सुथरा आजकल शहर हो चुका है, लेकिन और भी सफाई की बहुत ज़रूरत है। और ये देखिए सामने से एक बोट आ रही है जो काफ़ी बड़ी है,
और इसमें सारे फॉरनर लोग ही बैठे हुए हैं। सुबह के टाइम सैर करने का बात ही कुछ अलग होता है। और इसी घाट पे आप देख पाएंगे यहाँ पे तमाम शिवलिंग और यहाँ पे नंदी जी विराजमान हैं। और ये देख पाएंगे काफ़ी खूबसूरत दृश्य जो सामने से आप देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ और हम केदार घाट से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, ये देख पाएंगे। और अभी हम आ चुके हैं लाली घाट पे और इसी के बगल में है हरिश्चंद घाट। ये देख सकते हैं तो अभी हम चलते हैं वापस क्योंकि इस घाट से नहीं जाएंगे और हम आपको और भी रास्ता दिखाते हैं कि उस रास्ते से अगर आप आएंगे तो सीधे हरिश्चंद घाट पहुंचेंगे। तो आइए चलते हैं और आप देख पाएंगे जो सुबह का मौसम है वो काफ़ी खूबसूरत है और बस ये उठना ही थोड़ा टफ होता है। जब आप एक बार उठ के अगर आप बाहर निकल आते हैं और ख़ास करके घाटों पे ना, तो पूछिए मत ही कैसा माहौल होता है और कितना सुकून मिलता है। तो एक बार आप ज़रूर सुबह के टाइम तो ज़रूरी आइए और यहाँ का आनंद उठाइए क्योंकि बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए सुबह सुबह के टाइम। वैसे ठंडी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम और ठंडी तो हर जगह ही होगी, लेकिन अपना काम जो करना है वो तो करना ही है। और ये एक डिमांडेड वीडियो थी कि मुझे केदार घाट से लेके और गलियों को दिखाते हुए आप घाट तक पहुंचिए और जितने भी रास्ते हैं उसको भी दिखाइए, तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक हर हर महादेव।